तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं जो अभी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी वन प्लस की 5T की डिवाइस है। तो मैं आप लोगों को अगर सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेटिंग में मैं वन प्लस 5T की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, और जो मैं अभी हूँ ओपन ओपन बीटा 22 पे हूँ। और दोस्तों मैं अभी अपने इस फ़ोन में ऑक्सीजन ओएस 9.0 को इंस्टॉल करूँगा। तो कैसे इंस्टॉल करूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दो जिप फाइल दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ओपन बीटा पे हैं और चाहते हैं आप लोग अपने फ़ोन में OTA की मदद से अपडेट करना, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा एंड्रॉयड ओरियो पे। और अगर दोस्तों आप लोग डायरेक्टली ओपन बीटा एंड्रॉयड पाई से ऑक्सीजन ओएस एंड्रॉयड पाई पे जाना चाहते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को एक जिप फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने फाइल मैनेजर में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो फाइल मैंने दो फाइल को डाउनलोड कर रखी है। ये वाली जो फाइल है, ये ऑक्सीजन ओएस जो 5.1.7 की फाइल है, और ये दोस्तों एंड्रॉयड पाई वाली फाइल है। तो आप लोग चाहें तो ओपन बीटा अगर पे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली एंड्रॉयड पाई को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग एंड्रॉयड ओरियो में जाने के बाद OTO की मदद से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोनों मेथड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जाएंगे अपने फ़ोन की रिकवरी में। तो रिकवरी में जाने के लिए दोस्तों हम लोग को एडवांस रिबूट को ऑन करना पड़ेगा। एडवांस रिबूट ऑन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ से रिकवरी मोड में चल जाएंगे। तो जो मेरे फ़ोन का पासवर्ड था, मैंने वहाँ एंटर किया, तो हमारा फ़ोन डिक्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इंटरनल स्टोरेज में। तो आप देख सकते हैं ये दो वाली फाइल है, तो आप लोगों को अपने रूट फोल्डर में किसी भी जी फाइल को रखनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है यहाँ से इस मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली जो मेरी ऊपर वाली जो फाइल है, ये मेरी एंड्रॉयड ओरियो वाली फाइल है। आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2018 पर इसकी जो बिल्ड डेट है, और ये वाली देख सकते हैं आप 23 दिसंबर 2018 की बिल्ड है। तो ये एंड्रॉयड पाई वाली फाइल है और ये एंड्रॉयड ओरियो वाली फाइल है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का काफ़ी सारे सवाल थे कि आप लोगों को स्टेबल पे हैं और आप लोगों को OTA देखने को नहीं मिली, तो इसलिए दोस्तों मैं आज इस वीडियो में स्टेबल रोम को फ्लैश करूंगा एंड्रॉयड ओरियो वाली, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों के फ़ोन में OTA कैसे मिलेगी। आप लोग चाहते हैं दोस्तों डायरेक्टली आप लोग इस रोम को भी फ्लैश कर सकते हैं, लिंक मैं आप लोगों को दोनों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लोग ओपन बीटा में है तो आप लोग ये वाली रोम फ्लैश कर सकते हैं, और इस वाली रोम पर ऑलरेडी है, यानी 5.1.7 पर ऑलरेडी है। तो आप लोग को मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि हम लोगों को कैसे OTA देखने को मिलेगी। तो मैं अभी अपने फ़ोन में जो है इस वाले रोम को फ्लैश कर लेता हूँ, एंड्रॉयड ओरियो वाली रोम को फ्लैश कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फ्लैश होने के बाद मैं यहाँ से एक बार वाइप कैश कर दूंगा, ताकि क्लीन फ्लैश हो जाए। क्लीन फ्लैश डर्टी फ्लैश करने से दोस्तों हम लोग फ़ोन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो क्लीन फ्लैश करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग को OTA कैसे देखने को मिलेगी, अगर आप लोगों को अभी तक OTA देखने को नहीं मिली है। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है चेंज लॉक की, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ जाके आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लेना, क्या क्या चेंज लॉक हम लोगों को मिली है अपने वन प्लस 5 और 5T की डिवाइस में एंड्रॉयड पाई में। सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर यस करेंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं वाइप डाटा इंगेज कैश करेंगे हम लोग, वरना हम लोग को जो है जो भी प्रॉब्लम इसमें आएगी हम लोगों को फ़ोन में देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोग पहले वाइप कैश कर देंगे यहाँ से। वाइप कैश वाइपिंग डन होगी दोस्तों, हम लोग फ़ोन को रिबूट कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने वन प्लस 5T की डिवाइस को स्टेबल वर्सन में स्विच कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑक्सीजन ओएस वर्सन है, स्टेबल वर्सन 5.1.7 है। तो मैं यहाँ पर थीम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑक्सीजन ओएस वर्सन है 5.1.7 है, और जो मेरा एंड्रॉयड वर्सन है वो अभी एंड्रॉयड ओरियो पे मैं हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो है मैं अभी एंड्रॉयड पाई वाले रोम को फ्लैश करूंगा। तो दोस्तों एंड्रॉयड पाई वाले रोम को फ्लैश करने का दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि हम लोग जो है VPN की मदद से हम लोग OTA को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग कोई सा भी VPN सर्वर को यूज़ करना है, तो जर्मनी या फिर कनाडा के सर्वर से कनेक्ट कर देना। तो मैं जर्मनी के सर्वर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है। और सिस्टम अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक तो कोई OTA देखने को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं जब सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर जर्मनी वाले सर्वर या कनाडा वाले सर्वर से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जर्मनी के सर्वर से कनेक्ट हो गई है। और जब मैं यहाँ पर फिर से OTA चेक करूँगा, तो जर्मनी या सर्वर या कनाडा के सर्वर से दोस्तों कनेक्ट करने पर अगर आप लोगों को OTA नहीं मिलती है, तो आप लोग फुल रोम को ही फ्लैश कर सकते हैं। तो सिस्टम अपडेट नहीं देखने को मिली है। और दोस्तों अगर आप लोग VPN वाली मेथड अगर ट्राई करते हैं और आप लोगों के केस में VPN वाली मेथड काम नहीं करती है, तो मैं आप लोगों को एक zip फाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से डाउनलोड करके हम लोग यहां से जाएंगे सेटिंग वाले गियर आइकन में जाएंगे, लोकल अपग्रेड पर जाएंगे और इस वाली फाइल को हम लोग फ्लैश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो बिल्ड डेट दी गई है 23/12/2018 की है। तो ये हम लोग की जो है हम लोग की एंड्रॉयड पाई वाली फाइल है। आप देख सकते हैं लोकल अपग्रेड, द सिस्टम अपडेट विल नॉट अफेक्ट योर डाटा, हाउ एवर टू इंश्योर योर डाटा इंटीग्रिटी प्लीज़ परफॉर्म बैकअप, प्लीज़ रिस्टार्ट योर फोन एंड इंस्टॉल द अपडेट। तो मैं यहाँ पे अपग्रेड नाउ कर देता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि बैकअप बना के रखे रहे, डाटा रेज हो या नहीं हो हम लोग किसी भी प्रोसेस में, लेकिन दोस्तों डाटा आप लोग डाटा का बैकअप बना के रखे रहे। तो दोस्तों मेरी फ़ोन जो है एंड्रॉयड पाई पे अपग्रेड हो रही है, OTA नहीं मिली है। तो आप लोग इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं, ऑफिशियल मेथड है।
लिंक ऑफिशियल है, उनके फॉरम से डाउनलोड की गई है, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हम लोग को ब्रांड न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाती है अपने क्विक सेटिंग पैनल में। और सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ तो अबाउट फोन में देख सकते हैं दोस्तों, वन प्लस 5T की डिवाइस है, एंड्रॉइड वर्सन जो 9 हो चुकी है, और यहाँ पर एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पैच 1 दिसंबर की हो चुकी है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑक्सीजन OS वर्सन है 9.0.0। तो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया था कि मैं ओपन बीटा 22 पे था, और दोस्तों अब मेरे फ़ोन में जो है स्टेबल वर्सन पर मैं स्विच कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने वन प्लस 5 या 5T की डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, अगर आप लोग ओपन बीटा पे है या फिर आप लोग स्टेबल पे है, आप लोगों को OTA देखने को नहीं मिली है, तो आप लोग VPN वाली मेथड को ट्राई कर सकते हैं। VPN मेथड आप लोगों को काम नहीं करती है, तो लिंक दोस्तों ऑफिशियल लिंक अवेलेबल है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड करके आप लोग जैसे जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया, आप लोग सेम उस मेथड से अपने फ़ोन को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो वन प्लस 5T है वो एंड्रॉइड P पे अपडेट हो चुकी है। तो मैं दोस्तों मैं कैमरा वगैरह आप लोगों को जाकर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैमरा में दोस्तों हम लोग गूगल लेंस की सपोर्ट देखने को मिल गई है, और दोस्तों फ्रंट में यहाँ पर हम लोग को पोर्ट्रेट का फीचर्स भी देखने को मिल गई है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को बताया कि हम लोगों को कैसे अपने फ़ोन को अपडेट करना है, अगर हम लोगों को OTA देखने को नहीं मिली है, या फिर हम लोग ओपन बीटा में है तो स्टेबल में कैसे अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग ओपन बीटा पे हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस मेथड को फॉलो करें, आप लोग स्टेबल पे जाए, क्योंकि दोस्तों वन प्लस की जो ओपन बीटा वाली बिल्ड होती है वो दोस्तों काफ़ी स्टेबल होती है, और उसमें आप लोगों को बहुत ही कम बग्स वगैरह देखने को मिलती है, और उसके दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो हमेशा अपडेट हम लोग को मिलती रहती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, आपका कोई भी सवाल सुझाव रहा था कमेंट सेक्शन में पूछे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।